वैज्ञानिकों ने लंबे समय से दुनिया भर में ऐसे जीवों की खोज की है जो सदियों पहले विलुप्त हो चुके थे। इनमें ऐसे समुद्री जीव भी शामिल हैं जो डायनासोर्स के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। कांगो बेसिन या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एक ऐसी ही जगह है जहां ऐसे जीवों के होने की संभावनाएं मानी जाती हैं। सेंट्रल अफ्रीका में मौजूद ये घना जंगल बेहद विशाल है। माना जाता है यहां 10,000 प्रकार के पेड़ पौधे, 1,000 प्रकार के पक्षी और 400 प्रकार के पशु आइडेंटिफाई किए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कंजर्वेशन सोसाइटी के अनुसार इस जंगल का केवल 10% भाग ही एक्सप्लोर हो पाया है। 90% जंगल इतना घना है कि वहां जाने में वैज्ञानिकों को बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी गुप्त हिस्से में मौजूद हैं एक से बढ़कर एक रहस्यमयी जीव। मुकेले एम्बेम्बे, इस शब्द का अर्थ होता है वो जो नदी के बहाव को रोक दे। कांगो बेसिन में रहने वाले आदिवासी इस जीव को पीढ़ियों से देखते आए हैं। माना जाता है ये एक हाथी और डायनासोर का मिश्रित रूप है। इसकी लंबी गर्दन, विशाल शरीर और मोटे पैर होते हैं ताकि ये आसानी से पेड़ की पत्तियों को खा सके। कांगो जनजाति इसका डिस्क्रिप्शन ठीक सॉरोपोड्स की तरह ही देती हैं, जो प्राचीन काल में रहने वाली डायनासोर की एक प्रजाति थी। इस प्राणी की विशिष्ट पहचान इसके 3 पंजे वाले पैरों के निशान से होती है जो अक्सर कांगो बेसिन में देखे जाते हैं। इन्हीं निशानों को आदिवासी मुकेले एम्बेम्बे के सबूतों के तौर पर दर्शाते हैं। सदियों से स्थानीय पिग्मीस और फॉरेन एक्सप्लोरर्स ने इस जीव से सामना होने के किस्से सुनाए हैं। उनके अनुसार नदी या तालाब के किनारे ये जीव पेड़ पौधों और फलों को खाकर अपना जीवन जीते हैं। ये पानी की गहराई में घंटों तक स्थिर छुपे रहते हैं। इस जीव की साइटिंग्स आज भी होती हैं और जंगल में रहने वाले लोग इसे वास्तविक ही मानते हैं। रॉय मैकाल नाम के एक शोधकर्ता ने कांगो जंगल में इस जीव की खोज का प्लान बनाया। वो महीनों तक उस जंगल के बाहरी इलाकों में इस जीव का इंतजार करते रहे, लेकिन वो जीव को नहीं देख सके। फिर एक सुबह उन्हें जीव के ताजे पैरों के निशान जरूर दिखाई दिए। वो तस्वीर लेकर जंगल से बाहर आए और साइंटिफिक कम्युनिटी में काफी उत्साह फैल गया। रॉय मैकाल की माने तो ये जीव फोर्बिडन स्वाम्प एरिया में रहते हैं, जो कि न्यूयॉर्क के बराबर का दलदली इलाका है। यहां जाना अपनी मौत को दावत देना है। जंगल के दूसरे घने हिस्सों में भी जाना लगभग असंभव है, क्योंकि वहां तरह तरह के जहरीले जीव और सांप होते हैं। साथ ही जंगल इतना घना है कि कुछ ही मीटर्स चलने में घंटों का समय लगता है और वापस लौटने का रास्ता भी नहीं मिलता। शोधकर्ताओं ने पाया कि जंगल में रहने वाले लोग इस जीव को तब से जानते हैं जब उन्हें डायनासोर्स के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। जब उन्हें सोरोपोड्स की तस्वीर दिखाई गई, तब उन्होंने इसे मुकेले एम्बेम्बे के नाम से ही संबोधित किया। यह 1999 में कबोंगा जाति के लोगों ने इस प्राणी को पकड़कर मारने का दावा किया था। 1980s में हर्मन रजिस्टर्स ने लेक टेले के पास इस जीव के पैरों के निशान देखे। साथ ही उन्होंने इस जीव की तेज आवाज को भी सुना था। 2016 में इस जीव पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जब कांगो जंगल में रहने वाले लोगों से इस जीव की जानकारी प्राप्त की गई थी। पाया गया कि अलग अलग रहने वाले इन आदिवासियों में उस जीव का एकदम सेम डिस्क्रिप्शन दिया था। एक ट्राइब ने उन्हें बताया कि कुछ ही समय पहले उनका सामना उसी जीव से हुआ था, लेकिन आक्रमण के डर से उन लोगों ने उसे अपने इलाके से दूर खदेड़ दिया। स्केप्टिक्स का मानना है कि ऐसा विशाल जीव उस जंगल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जितना विशाल होने के लिए अधिक ऑक्सीजन और भोजन की आवश्यकता होगी, जो धरती पर अब नहीं होता।
लेकिन कुछ बायोलॉजिस्ट का कहना था कि कॉन्गो जंगल में खाने पीने की बहुतायत के साथ साथ हाई ऑक्सीजन लेवल्स मौजूद हैं और ये बहुत संभव है कि वहाँ ऐसा जीव एग्जिस्ट कर सकता है। जेबर फोफी या कॉन्ग्लीस कोलोसल स्पाइडर एक ऐसी स्पाइडर मानी जाती है जिसका आकार विशालकाय हो चुका है। ये जीव डायनासोर काल में धरती पर विचरण किया करते थे, लेकिन कॉन्गो वासियों की माने तो ये आज भी उस जंगल में मौजूद हैं। वैसे तो अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों से ऐसी मकड़ियों को देखने के दावे सामने आए हैं, लेकिन ख़ास तौर पर कॉन्गो फॉरेस्ट को इनका इलाका माना जाता है। बाका जैसे इंडिजीनियस ग्रुप्स इसे जेबर फोफी के नाम से जानते हैं। उनके अनुसार इस जीव के पैरों का आकार 4.5 से 5 फीट का होता है। अगर इसके रिटन रिकॉर्ड की बात करें तो 1890 में एक इंग्लिश मिशनरी यात्रा करके युगांडा तक गया था, तभी कॉन्गो जंगल में उसने विशालकाय मकड़ी का जाल देखा। वो और उसके सहयोगी उस जाल की जांच करने लगे और तभी उसमें बुरी तरह चिपक गए। मिशनरी के अनुसार एक विशालकाय मकड़ी अंधेरे से बाहर आई और उसके साथियों पर अपने फैंग से हमला कर दिया। वो मिशनरी अकेला उस जंगल से वापस लौट पाया था। इसके बाद 1938 में कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने इंडिजीनियस कम्युनिटीज के साथ कोलैबोरेट करके इस जीव की जानकारी इकट्ठा की थी। तब उन्हें पता चला कि ये मकड़ी एक बार में हजारों अंडे देती है जिनका आकार सिर्फ मूंगफली के बराबर होता है। ये अक्सर घने जंगल में अपना जाल बुनती है और पक्षियों से लेकर बड़े बड़े जानवरों तक को उसमें फंसा कर अपना भोजन करती है। आर के लॉयड और उनकी पत्नी भी एक बार कॉन्गो जंगल के कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने इस जीव को सड़क पार करते देखा। पहले तो उन्हें लगा जैसे वो कोई विशाल बंदर है, लेकिन करीब जाकर देखा तो वो खौफ से जम गए। उनके अनुसार वो उतनी बड़ी मकड़ी थी जो सिर्फ उन्होंने अपने बुरे सपनों में देखी थी। जल्द ही इस जीव के कई एनकाउंटर्स सामने आने लगे और रिसर्चर्स को लगने लगा कि जरूर उस जंगल में कुछ तो है, क्योंकि उस दौरान अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों से जहां कॉन्गो जंगल मौजूद है लोग ऐसे स्पाइडर्स को देखने के दावे कर रहे थे और उन लोगों का आपस में कोई संपर्क नहीं था। एक्सप्लोरेशंस के शुरुआती दौर में अक्सर जंगल में रहने वाली ट्राइब्स शोधकर्ताओं को वार्न करती थीं कि कोई भी विशाल मकड़ी के जाल से दूर रहें, क्योंकि उसमें फंसने के बाद बाहर निकलना असंभव होता है। एक ट्राइब ने यह भी दावा किया कि कोलोसल स्पाइडर्स एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जंप भी कर सकती हैं और अगर वो चाहें तो इंसानों से कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकती हैं। कुछ एक्सप्लोरर्स ने विशाल पेड़ों की जड़ों के पास ऐसे गड्ढे देखे जिन्हें शायद इन विशाल स्पाइडर्स ने बनाया था ताकि वो छद्मावरण का इस्तेमाल करके स्थिरता से छुपी रहीं। रिसर्चर जे विलियम गिबन्स अपने साथियों के साथ मुकेले इम्बेम्बे की तलाश में कॉन्गो फॉरेस्ट गए। तब उन्हें पता चला कि यहाँ जायंट स्पाइडर्स भी एग्जिस्ट करती हैं। उन्हें पिग्मीस ने जानकारी दी कि इस मकड़ी का आकार विशाल है, ये ब्राउनिश कटीले बालों से ढकी होती है और इसका पेट पर्पल कलर का होता है। विलियम ने तो इस जीव को नहीं देखा, लेकिन उनकी टीम के एक मेंबर का सामना इस विशालकाय जीव से हो चुका था। वैज्ञानिकों ने आम मकड़ियों पर शोध करना शुरू किया और पाया कि इनका आकार इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से सीमित हो जाता है। इनके खून का बहाव उतना नहीं हो पाता कि ये विशालकाय आकार पा सकें, लेकिन समय समय पर ऐसा भी पाया गया है कि किसी खास वातावरण या खास वजह से कुछ मकड़ियों ने ये सीमा तोड़ दी और अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी सिस्टम विकसित किए जिससे इन आम मकड़ियों का आकार भी अपनी प्रजाति की अन्य मकड़ियों से सैकड़ों गुना बड़ा हो गया। ठीक इसी तरह ये भी संभव है कि कॉन्गो जैसे इलाके में ऐसा वातावरण मौजूद हो जो मकड़ियों को ऐसा विशाल आकार प्रदान करता हो।
दोस्तों कॉन्गो जंगल में इन जीवों के अलावा विशालकाय सांप देखने के दावे भी सदियों से किए जाते रहे हैं। कुछ ऐसे सांप जिनका आकार आपकी कल्पना के परे है। ऐसा ही एक किस्सा कर्नल रेमी वैन लीडर के साथ हुआ, जिसने साइंटिस्ट कम्युनिटी में सनसनी मचा दी। यह 1959 रेमी वैन बेल्जियम एयरफोर्स में कर्नल थे, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में स्थित था। एक बार लीडर हेलीकॉप्टर में अपने साथी ऑफिसर और एक फोटोग्राफर के साथ कॉन्गो जंगल के ऊपर से उड़ रहे थे। ये लोग कॉन्गो जंगल की तस्वीरें लेकर उस इलाके की जानकारी को डॉक्यूमेंट करने निकले थे। वो लोग नीचे मौजूद टेरेन को अच्छी तरह देख रहे थे, तभी घने जंगल में एक खाली हिस्सा नजर आने लगा। उस ग्राउंड में धूप सेकते बैठा था एक विशालकाय सांप, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। लीडर के अंदाजे से वो कम से कम 50 फीट लंबा तो था ही, उसका बर्ताव भी काफी अग्रेसिव था। लीडर का कहना है कि उस सांप ने कम से कम 10 फीट हिस्सा ऊपर की तरफ उठा रखा था, जैसे वो पास जाने पर हेलीकॉप्टर पर ही अटैक कर देगा। कर्नल ने पायलट से कहा कि वो हेलीकॉप्टर को नीचे ले और उसी जगह पर उड़ाते रहे। लीडर ने फोटोग्राफर से तस्वीर लेने के लिए कहा, जिसकी वजह से आज हमारे पास उस सांप की असली तस्वीर मौजूद है। अब उस सांप को देखते देखते उनका हेलीकॉप्टर जमीन के इतने करीब चला गया कि वो सांप उन पर अटैक कर सकता था। तभी पायलट ने फैसला किया कि अब उन्हें यहां से निकल जाना चाहिए। ये तस्वीरें जब लीडर बाहर लेकर आए, वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। तस्वीर को एनालाइज करने से पता लगा कि ये तस्वीरें एकदम रियल थीं और लीडर ने जो सांप की लंबाई का अंदाजा लगाया था वो गलत था, क्योंकि टेरेन के डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए जब इस सांप की लंबाई का अंदाजा लगाया गया तो वो 50 फीट नहीं बल्कि लगभग 200 फीट का था। कुछ एक्सप्लोरर्स ने उस इलाके में सांप की खोज करने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था अगर कर्नल को एक नजर में इतना विशाल सांप मिल सकता है तो इस घने जंगल में ना जाने कितने विशाल सांप होंगे। इंडिजीनियस कम्युनिटी से संपर्क करने पर पता लगा कि वो लोग इस सांप को जानते हैं। उनके अनुसार ऐसे ढेरों सांप कॉन्गो जंगल में मौजूद हैं, जो अक्सर धरती के अंदर गुफा बनाकर रहते हैं, लेकिन कभी कभी धूप सेकने बाहर निकल आते हैं। वैज्ञानिक इस सांप के जरिए एक नई पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने लगे। उनका मानना था कि शायद ये सांप कोई और नहीं बल्कि टाइटनोबोआ हो, जिसे 60 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। वैज्ञानिकों को टाइटनोबोआ का फॉसिल मिल चुका था, जो कि धरती पर रहने वाले सबसे विशालकाय सांप माने जाते थे। टाइटनोबोआ के लिए सही वातावरण भी कुछ ऐसा ही होता था, जिसमें स्वाम्प्स और घने जंगल शामिल थे और धूप सेकने के लिए थोड़े खुले इलाके। ये सांप बड़ी मछलियों और मगरमच्छों का शिकार करके जीवित रहता था। माना जाता था कि थर्मल मैक्सिमम नाम के एक इवेंट के दौरान ये धरती से विलुप्त हो गए थे, जब यहाँ का क्लाइमेट काफी गर्म हो गया था और इन जीवों का आहार भी लुप्त हो गया था। लेकिन कॉन्गो जंगल में आज भी कुछ वैसा ही वातावरण है जैसा कि प्राचीन समय में धरती का था। घने जंगलों की वजह से वहां ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा है, साथ ही खाने पीने की बहुतायत होने की वजह से ये विशालकाय जीव वहां पनप सकती हैं। कॉन्गो जंगल में रहने वाले आदिवासी और भी कई क्रीचर्स की बातें करते हैं और वैज्ञानिकों को भी इस पॉसिबिलिटी से इनकार करना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनके बताए गए कुछ जीव उस जंगल में पाए गए हैं, तो हो सकता है कि दूसरे जीव भी एग्जिस्ट करते हों। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।